हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। तो एक जीवन को पनपने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है वाटर की। बट क्या आपको पता है, हमारी अर्थ पर एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर वाटर तो है बट वहाँ पर कोई सरवाइव नहीं कर सकता। ना तो ह्यूमन बींग्स, ना एनिमल्स, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी नहीं सरवाइव कर सकते वहाँ पर। तो वहाँ जीवन पनपने के चांसेस तो बिल्कुल ना के बराबर ही है। तो दोस्तों, ये जगह है इथोपिया के अफार रीजन में लोकेटेड दानाकिल डिप्रेशन, जहाँ पर बहुत तरह के मिनरल डिपॉजिट्स हैं, सॉल्ट पैंस हैं और एक्टिव वॉल्केनोज भी हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत यूनिक और हार्श एनवायरनमेंट है। ये सबसे हॉटेस्ट प्लेस तो है ही, साथ साथ ही अर्थ का एक लोएस्ट प्लेस भी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में अपनी आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। वी नीड योर सपोर्ट। अफ्रीका के एक देश इथोपिया में मौजूद है अफार रीजन, जिसमें मौजूद है ये दानाकिल डिप्रेशन, जो कि हमारे पृथ्वी का एक सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेस है। और इतना ही नहीं, ये हमारी अर्थ का सबसे लोएस्ट प्लेस भी है। यहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। तो यहाँ का एनवायरनमेंट तो आप सोच ही सकते हो बाकी जगहों से कितना अलग है। इतना हाई टेम्परेचर और हार्श कंडीशंस की वजह से इसे गेटवे टू हेल भी बोला जाता है। दानाकिल डिप्रेशन जो है 3 टेक्टोनिक प्लेट्स के ट्रिपल जंक्शन पर, और ये बना है इन्हीं 3 प्लेट्स के डाइवर्जेंस से, जिसकी वजह से रिफ्टिंग, सेस्मिक एक्टिविटीज और वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुई इस एरिया में। और धरती के अंदर का लावा और दूसरे एसिडिक मटेरियल्स बाहर आते रहते हैं यहाँ, और इन्हीं सभी कारणों की वजह से बना है ये दानाकिल डिप्रेशन। इवन इस इलाके में दुनिया का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो भी है। ये इलाका समुद्र तल से तकरीबन 125 मीटर नीचे है और इसीलिए ये अर्थ के लोएस्ट प्लेसेस में से एक है। 200 किलोमीटर लंबा और 50 किलोमीटर चौड़ा ये दानाकिल डिप्रेशन दुनिया का सबसे गर्म इलाका है। अगर एवरेज ईयर राउंड टेम्परेचर की बात की जाए तो यहाँ पूरे साल टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर ही बना रहता है। साथ ही ये दुनिया के सबसे निचले इलाकों में से भी एक है, और साल में बहुत कम रेनफॉल होने की वजह से ये एक सूखा इलाका भी है। अब यहाँ का एनवायरनमेंट तो अलग है ही बाकी जगहों से, बट एक और वजह है जिसकी वजह से ये काफी फेमस है, और वो ये है कि यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई है, जिनमें कुछ अर्लीस्ट ह्यूमन एंसेस्टर्स के फॉसिल्स भी शामिल है। दोस्तों, इस जगह की जियोलॉजी और यहाँ का एनवायरनमेंट इस जगह को रिसर्च और स्टडी के लिए एक बहुत ही फैसिनेटिंग प्लेस बनाता है। ये दानाकिल डिप्रेशन पार्ट है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम का, और ये रिफ्ट सिस्टम क्रिएट हुआ है अरेबियन और अफ्रीकन प्लेट के मूवमेंट की वजह से, जिसकी वजह से फॉर्मेशन हुई अफार ट्रायंगल की। यहाँ एक ही जगह कई सारे जियोलॉजिकल फीचर्स देखे जा सकते हैं, जिनमें एक्टिव वॉल्केनोज, हॉट स्प्रिंग्स, सॉल्ट फ्लैक्स भी शामिल है। दानाकिल डिप्रेशन का ही एक पार्ट है दनोल रीजन, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है अपने कलरफुल हाइड्रोथर्मल फीचर्स के लिए, जैसे हॉट स्प्रिंग गीजर्स। यहाँ पर ये बने हैं सॉल्ट वाटर और मैग्मा के इंटरेक्शन से, जिसकी वजह से यहाँ पर मिनरल रिच गैसेस रिलीज होती हैं और मिनरल्स डिपॉजिट हो जाते हैं सरफेस पर। दनोल रीजन की जो हॉट स्प्रिंग्स है, इनमें मिनरल्स की कंसेंट्रेशन बहुत हाई होती है। साथ ही दानाकिल डिप्रेशन सॉल्ट डिपॉजिट्स के लिए भी जाना जाता है, जो कि इसके मेजर पार्ट को कवर करता है। तो यहाँ की जो फॉर्मेशन हुई है वो हजारों सालों के टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से, वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से हुई है, जिससे यहाँ एक यूनिक एनवायरनमेंट बन गया। और यहाँ कई तरह की मिनरल्स डिपॉजिट हो गए, जो इस जगह को एक बहुत ही यूनिक और फैसिनेटिंग प्लेस बनाते हैं स्टडी और रिसर्च पर्पस के लिए। और हर साल यहाँ बहुत टूरिस्ट जाते भी हैं इसकी इस यूनिकनेस को देखने। अब इतनी हार्श कंडीशंस होने के बाद भी यहाँ कुछ एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, जिनमें अफार पीपल भी शामिल हैं, जिन्होंने इन एक्सट्रीम कंडीशंस को अडेप्ट कर लिया है सरवाइव करने के लिए। अफार जनजाति के लोग यहाँ पर कई सेंचुरीज से रह रहे हैं। इवन मोस्टली का तो मेन इनकम सोर्स ही यहाँ पाए जाने वाला नमक है, बाकी यहाँ और भी एथनिक ग्रुप्स रहते हैं।
दानाकेल डिप्रेशन हमारी अर्थ पर नेचुरल वंडर्स में से एक है। यहाँ के ये कलरफुल हॉट स्प्रिंग्स मिनरल्स इसको अर्थ के बाकी हिस्सों से बहुत यूनिक बनाते हैं, और इन्हीं सभी को देखने के लिए, इसको एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पर टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बट क्या यहाँ जाना एक्चुअल में सेफ है? तो दोस्तों, अभी तक आप जान ही चुके हैं कि दानाकेल का एनवायरनमेंट कितना हार्श है और किन कारणों की वजह से है। तो सेफ्टी एक मेजर कंसर्न है अगर यहाँ कोई ट्रेवल करना चाहता है तो। दूसरे हाइड्रोथर्मल जोन्स के कंपैरिजन में जो दानाकेल है ये ज्यादा हॉटर और ज्यादा एसिडिक है। इवन यहाँ का एवरेज पीएच भी लगभग 0.2 के आसपास है, जबकि लेमन जूस का पीएच 2.4 के आसपास होता है। तो आप समझ ही सकते हो कि कितना ज्यादा एसिडिक है। तो यहाँ के जो बबलिंग पूल्स हैं, उनके आसपास ध्यान से जाना चाहिए और अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब हमें ये तो पता चल गया कि इस एरिया में कई एक्टिव वॉल्केनोज हैं और सेस्मिक हॉटस्पॉट्स हैं। तो विजिटर्स को ऐसे एरिया को ध्यान में रखना चाहिए और जरूरी प्रिकॉशंस भी लेने चाहिए। साथ ही यहाँ कई जियोथर्मल एरिया है तो वहाँ जाते हुए ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज कई जगह सॉल्ट क्रस्ट बहुत ज्यादा अनस्टेबल और फ्रेजाइल है। तो दोस्तों, दानाकेल इथोपिया में एक ऐसी जगह है जो बाकी जगहों से बहुत यूनिक है और हार्श भी, और साथ ही ये हॉटेस्ट प्लेसेस में से भी एक है। और इसके बाद भी ये जगह टूरिस्ट और साइंटिस्ट के बीच बहुत फेमस है रिसर्च और स्टडी के लिए। तो दोस्तों, आई होप आपने इस अमेजिंग जियोलॉजिकल एरिया के बारे में काफी कुछ जान लिया होगा। इसके कलरफुल मिनरल डिपॉजिट्स से लेकर इसके आसपास रहने वाले एथनिक ग्रुप्स के बारे में, जिन्होंने इतने हार्श एनवायरनमेंट में भी खुद को ढाल लिया है सरवाइव करने के लिए। तो आज की अपनी इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। हमें अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।